सबों से बहुत आनंदित पक्का जी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग वैसे सब लोग जानते हैं फिर भी चेक करा देता हूं आदरणीय गीता श्री उराव जी हैं और पूर्व केंद्रीय गुरु महाराज हां ये कार्यक्रम जो पांच हमने इसमें अभिनय किए हैं कि भूमि अधिग्रहण बिल के जरिए जो यहाँ पर आदिवासियों की जमीन का जो जबरन अधिग्रहण करने की सरकार की इसका हम विरोध करते हैं। दूसरा ये कि हमारा जो अपनी पहचान है कन्ना का एक अपना अलग धर्म कोड जो लागू करने की भी मांग कर रही है उसको भी हम उसकी भी मांग रखते हैं ये सरकार करे। पांचवी अनुसूची ये जो प्रावधान है उसको भी कड़ाई से अगर किया जाए जिसमें ग्राम सभा को सबसे बड़ा स्थान दिया गया है। ग्राम सभा को कराए बिना उसकी सहमति के बिना जो है कोई भी जमीन का अधिग्रहण चाहे वो सरकारी ही योजना के लिए हो करना गलत है। और इसका जो आपने 2013 का जो भूमि अधिग्रहण जिसको पास हुआ था यूपी सरकार के दौरान में उसमें इन्हीं सब चीजों को रखा गया कि सहमति बनाई जाएगी जो स्थानीय जो ग्रामीण है उनकी जब तक सहमति नहीं होगी तब तक कोई भी सरकारी योजना को आगे नहीं बढ़ाएगा। और इसके अलावा ये भी था कि आप अगर 5 साल तक अगर उसमें कोई योजना नहीं शुरू कर सकते हैं तो वो बिना मुआवजा क्लेम किए हुए रैयत को वापस होगा। मगर अभी जो सरकार ने हाल में ही जो इस तरह की बात कही है कि अब सरकार को किसी भी योजना के लिए किसी रैयत से पूछने की जरूरत नहीं है, जब भी चाहे अपना अधिग्रहण कर सकती है। और पैसा कानून भी उसी का ही हिस्सा है। इसके अलावा जो पूरे राज्य में देश में भी है हमारे अपने राज्य में भी जो आदिवासी एकता को क्योंकि जो 2016 में CNDSPT एक्ट में जो संशोधन लाने की जो नहीं कर पाई सरकार तो वो अब सरना का भी अपना वो कहती है कि ये धर्मांतरण करते हैं इसे। और दूसरी तरफ में जो ये बात भी आती है वो बोलते हैं कि सरना सनातनी एक है तो ये क्या धर्मांतरण का हिस्सा नहीं है। सरना जो आदिवासी है वो कभी हिंदू पद्धति से नहीं चल सकता। उसके सारे जो अपने सामाजिक कर्म कांड है जन्म से लेकर मृत्यु तक वो अपने आस्था के हिसाब से होता है। मैं इसलिए कोई भी